हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर अंडर आर सीरीज क्विक नॉलेज क्रंच, जिसमें हम अभी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत ब्रेवरी से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, एनी बेसंत हो गई, सरोजनी नायडू, उषा मेहता जी, और उसके बाद अरुणा असफ अली। तो ऐसे करके हमने डिफरेंट वुमेन लीडर्स की बात की है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को आज कमला नेहरू जी के साथ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो एक बार देख सकते हैं। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो ये आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल UPSC, स्टेट सिविल सर्विसेज, SSC, सबके लिए बहुत यूज़फुल हैं अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज़ कमला नेहरू जी के साथ, जिनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ऑर्डिनरी शाई वूमेन टू ग्रेट फीमेल वॉरियर। ओके, तो वो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इनका रोल देखेंगे, इनकी एक्टिविटीज़ जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, अगर हम वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स की बात करें जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की और इंडिया की इंडिपेंडेंस में भी पार्टिसिपेट किया, तो कमला नेहरू जी का नाम भी आता है। और जैसे हमने कल कस्तूरबा गांधी की कॉन्ट्रीब्यूशन देखी थी, ठीक है, उनके जो हस्बैंड बहुत पॉपुलर थे महात्मा गांधी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कम हो गई थी, राइट। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सिमिलरली कमला नेहरू के साथ हुआ, इनके जो हस्बैंड जवाहरलाल नेहरू थे उनकी पॉपुलैरिटी के कारण कहीं ना कहीं जो है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो अंडर रिकॉग्नाइज चली गई। पर हम आज डिटेल में देखेंगे इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की। तो चलिए, वो देखने से पहले हम एक बार इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ है वो कश्मीरी पंडित फैमिली में हुआ, एज कमला कॉल, ठीक है। कमला नेहरू जो इनका नेम पड़ा वो आफ्टर मैरिज पड़ा, पहले इनका नाम था कमला कॉल, और इनका बर्थ अगस्त 1, 1899 में हुआ था। उसके बाद इनकी होम स्कूलिंग हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो है वुमेन को इतनी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, ठीक है, इसलिए इनकी जो स्कूलिंग है वो होम बेस्ड स्कूलिंग रही। फिर उसके बाद जब ये 17 इयर्स की थी तो इनकी मैरिज जो है जवाहरलाल नेहरू से हो गई, जिनकी एज 26 इयर्स की थी उस टाइम पे। फिर लेटर नवंबर 1917 में इन्होंने बर्थ दिया इंदिरा प्रियदर्शनी को। अब इंदिरा प्रियदर्शनी कौन थे, जो लेटर बने इंदिरा गांधी, हमारी इंडिया की जो है पीएम भी बनी, वुमेन पीएम, एंड देन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी लीड किया। तो इंदिरा गांधी की मदर कौन थी, कमला नेहरू। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ हुई। अब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो आज हम देखेंगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की जब बात करते हैं उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत आगे आती है, राइट। 1921 में लॉन्च हुई थी, गांधी जी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसे गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया था, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद इसको विड्रॉ किया गया और कब इसे विड्रॉ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं इसे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स आगे आए, और कमला नेहरू जो हैं इनकी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिपेंडेंस के लिए वो स्टार्ट होती हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ठीक है। गांधी जी उस टाइम कॉल कर रहे होते हैं नेशन को फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, नेशन को वो बुला रहे होते हैं लोगों को कि हाँ आइए यूनाइट होके इंडिया के लिए लड़ाई कीजिए। तो इस चीज़ से कमला नेहरू बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने हस्बैंड को भी इंकरेज करते हैं जवाहरलाल नेहरू को कि हमें भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसे 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो इंडिपेंडेंस की जर्नी है कमला नेहरू की वो स्टार्ट होती है। वो जो प्रोटेस्ट होते हैं मास लेवल पे उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, फॉरेन जो क्लोज है उनको जो है बायकॉट करती हैं, उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करती हैं। फिर जैसे अल्कोहल वगैरह होगी, ठीक है, उसको भी वो प्रमोट नहीं करती, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा होता है हम कहीं भी किसी भी सोर्स से ब्रिटिशर्स के लिए रेवेन्यू नहीं क्रिएट करना चाहते थे,
क्योंकि पहले ही जैसे दादा भाई नौरोजी जी हैं उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया को ड्रेन किया गया, इंडिया की वेल्थ को ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया गया। तो इस टाइम पे अब इंडियंस अवेयर थे कम्प्लीटली कि हाँ ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो अब हम उनके जो भी सोर्सेज थे रेवेन्यू क्रिएशन के, चाहे वो अल्कोहल हो गई, उनका फॉरेन क्लोथ हो गया, तो हम सबको जो है बायकॉट कर रहे थे, हम डिस्करेज कर रहे थे, और हमारे जो स्वदेशी गुड्स थे, इंडियन गुड्स थे, उनको हम प्रमोट कर रहे थे। ओके, तो इस टाइम पे फिर उसके बाद CDM होती है। CDM कब होती है? 1930 में। उसमें जो है महात्मा गांधी दांडी मार्च निकालते हैं, और जो ब्रिटिशर्स की सॉल्ट मोनोपली होती है उसके अगेंस्ट बात करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे साबरमती आश्रम से वो मार्च निकालते हैं, गांधी जी और 78 फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ। तो कमला नेहरू जी भी पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे हमने पहले देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि सरोजनी नायडू भी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर्स इन दांडी मार्च, राइट? तो ऐसे ही कमला नेहरू भी जो हैं वो भी CDM में पार्टिसिपेट करती हैं, और वो खुद तो पार्टिसिपेट करती ही हैं, और एज अ लीडर वो और भी जो वुमेन होती है कंजर्वेटिव फैमिली से, उनको इंकरेज करती हैं कि आइए आप अपना घर छोड़िए और घर से बाहर निकलिए और देश के लिए भी पार्टिसिपेट कीजिए, देश को आपकी ज़रूरत है अभी। तो वो और जो लेडीज़ हैं, कुछ फेमस और वॉलंटियर्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल दुर्गा बाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके साथ मिलके नो टैक्स कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने बताया कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, हम ब्रिटिशर्स के जो रेवेन्यू सोर्सेस थे उनको जो है स्टॉप कर रहे थे कि उनसे उनको जो है रेवेन्यू नहीं जाए। तो इसलिए लोगों को इंकरेज किया गया कि आप कोई भी टैक्स इनको पे मत कीजिए, ठीक है, पीजेंट्स से बात की गई, ठीक है। तो ऐसी जो मार्चिस थी इसमें भी कमला नेहरू आगे आती हैं, और फिर दूसरी साइड पे, एक साइड पे ये कर रही हैं, फिर क्लोथ्स की पिकेटिंग, जो क्लोथ शॉप्स की पिकेटिंग थी लेडीज़ करती थी, तो कमला नेहरू भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और स्ट्रीट्स में जाके खद्दर को सेल करती हैं, जो हमारा इंडियन गुड होता था, राइट? तो इसके बिना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कमला नेहरू जी का, उन्होंने जो है अपने ही घर में स्वराज भवन करके डिस्पेंसरी खोल ली थी। ओके, तो डिस्पेंसरी में वो क्या करती थी, जो भी लीडर्स होते थे, ठीक है, या फिर जो भी वॉलंटियर्स वगैरह जो इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं जैसे जख्मी हो रहे हैं, वूंड्स हो रहे हैं, उनको उन पे कोई अटैक होता था, तो वो सारे जो हैं ऐसे वॉलंटियर्स की ट्रीटमेंट करती थी। और इसी जो डिस्पेंसरी को उन्होंने बाद में, उनकी डेथ के बाद महात्मा गांधी और बड़े लीडर्स ने मिलके कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था उनका। फिर देखिए, ऐसे तो उन्होंने खुद बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, राइट, ठीक है, पर दूसरी साइड पे उन्होंने अपने हस्बैंड जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट किया, ठीक है, जस्ट लाइक अ रॉक वो उनके साथ खड़ी रहीं, ठीक है। अब क्या होता था कभी भी कभी, जैसे हम देखेंगे उनकी डेथ भी बाद में ट्यूबर क्लोसिस से होती है, तो वो खुद बीमार रहती थी, पर वो जवाहरलाल नेहरू के को इनके बारे में, अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलती थी, ठीक है, क्योंकि उनको था अगर मैं बताऊंगी तो ये फिर नहीं स्ट्रगल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए कई बार जैसे जवाहरलाल नेहरू को प्रिजन में भी जाना पड़ता है, तो वो इस चीज़ पे भी वो मतलब अपना जो है बिल्कुल ब्रेवरी के साथ लड़ाई करती हैं, अपनी जो बीमारियां होती हैं, इलनेस होती हैं, ठीक है, उससे भी वो अच्छे से लड़ाई कर रही होती हैं, सो दैट हमारी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आए। इसीलिए वो जवाहरलाल नेहरू को जो है अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं बताती। फिर उसके बाद अगर उनके हस्बैंड प्रिजन में होते हैं, ठीक है, फिर वो उनको रिप्रेजेंट करती है, खुद उनकी प्लेस लेती लेती है और इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। कई बार उन्होंने रेडिकल स्पीचेस देनी होती थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इसके चलते फिर वो खुद पार्टिसिपेट करती थी, लीड करती थी और खुद स्पीच देती थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, वो एक वैक्यूम नहीं क्रिएट होने दे रही थी, और कई बार इसी वजह से ब्रिटिशर्स उनको भी अरेस्ट कर लेते थे। तो ऐसा करके उन्होंने इस तरह से भी जो है हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन दिया। क्या होता है जब उनकी 1935 में उनकी जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं वो उस टाइम पे भी जेल में होते हैं,
ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो उनको जर्मनी लेके जाते हैं। तो देखिए मतलब उनको उस टाइम अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी, बट उसने उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ आप अपना जो है काम छोड़ के मेरे पास आए। तो बिल्कुल अपने आप को, अपने हस्बैंड को उन्होंने डेडिकेट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी उनको वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर बाद में उनकी हेल्थ ख़राब होने लग जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे थोड़े दिन अपने वाइफ के पास जाना है बस। फिर वो आते हैं और 1936 में फाइनली जो है कमला नेहरू जी की डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस से। तो ऐसे करके टिल द एंड ऑफ हर लाइफ जो है उन्होंने अपना जो देश के सेवा में ही स्पेंड कर दी, ठीक है, और अपने हस्बैंड को भी वैसे ही मोटिवेट किया। तो ऐसे करके बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो रही कमला नेहरू जी की, ठीक है। 28 फरवरी 1936 में सिर्फ 37 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है स्विट्ज़रलैंड में। और फिर उसके बाद उनकी जो इतनी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में उनके नाम पे खोले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली में, फिर उसके बाद कमला नेहरू कॉलेज जोधपुर में वुमेन में, और जो उनका हॉस्पिटल था कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल उसको भी कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो ऐसे करके कमला नेहरू जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ना सिर्फ एज अ जवाहरलाल नेहरू की वाइफ उन्होंने एक्ट किया, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की, बट खुद भी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के आगे आई और अपनी लाइफ जो है कम्प्लीटली अपने देश को डेडिकेट करी उन्होंने। तो चलिए ये एक काज और हमने ब्रेव वुमेन लीडर को डिस्कस किया है। इसी सीरीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे एक और ऐसी ब्रेव लीडर के साथ। तो चलिए टिल देन बाय, बी सेफ, और अगर आपने जो है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे वीडियो आ रही हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और फिर इससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने का, राइट। तो बाकी कुछ भी आपका फीडबैक है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल भी है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस पर वीडियोज़ के बिना और भी जो है इम्पॉर्टेंट कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, बाय बाय, बाय।